सो हेलो गाइस, वेलकम मैं चले मैं आनंदी, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी उम्र 40 से 45 या 50 की हो गई है, अगर ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपकी जो एनर्जी है धीरे धीरे वीक हो रही है, आपको कमजोरी महसूस होता है, अंदरूनी ताकत आपको छीड़ हो रही है, तो ऐसे में आप अपने ताकत एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते, लेकिन एक छोटा सा जानकारी हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, और बाकी आप लोगों को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी मकसद या उद्देश्य नहीं है। सो चलिए आज की वीडियो। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र ढलती है, आपका शरीर उस प्रकार से कमजोर और छिड़ होने लगता है, अंदर की ताकत कमजोर होने लगती है, आपकी जो शरीर की जो हड्डियां होती है वो धीरे धीरे जवाब देने लगता है। आज हम आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नुस्खे बता रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज बताएंगे, और उस एक चीज के खाने से आपकी कई सारी बीमारी, कई सारी समस्याएं भी दूर हो सकती है। जैसे कि करना क्या है, आपको रोजाना प्रतिदिन सुबह नाश्ते के समय या फिर नाश्ते के बाद या फिर दोपहर में खाना खाने से आधे से एक घंटे बाद आपको केला खाना है। केला खाने से जो है कि आपके अंदरूनी कमजोरी दूर होती है, ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है। केले में कई सारे जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, विटामिन, कई सारे ऐसी चीज़ें पाई जाती है, पोषक भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि आपकी ये सारी समस्याओं को ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यानी कि मैं बात करूँ जिनको हमेशा जोड़ों में दर्द होता है, जो चल नहीं पाते हैं अच्छे से, बहुत सारे लोग जो है लाठी का सहारा लेते हैं, किसी और का सहारा लेते हैं, बैठे हैं तो खड़े होने के लिए किसी और का सहारा लेते हैं, यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी बहुत सारे लोगों का सहारा लेते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रतिदिन अपने डाइट में केले का सेवन जरूर करना चाहिए। ध्यान दें कि केला खाने के बाद आपको मीठा दूध जरूर पीना है। नॉर्मल अगर दूध पीते हैं, बिना मीठा का दूध पीते हैं, तो इससे आपको गैस बन सकती है, बहुत सारे लोगों को बनता है। यानी बहुत लोग कहते हैं मैम जब भी हम केला खाकर दूध पीते हैं तो हमारे पेट में गैस बनने लगता है, लेकिन यहाँ पर गैस बनने लायक अगर आप काम करते हैं तो बनेगा ही बनेगा। गाय का हो चाहे भैंस को, उसमें हल्का सा मीठा जरूर डालें, हल्का सा मीठा वाला दूध, यानी उसमें शक्कर डालें या फिर मिश्री डालें या फिर गुड़ डालें। अगर ऐसा दूध में हल्का सा मीठा होने के लिए दूध डालकर अगर आप पीते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से गैस पेट में नहीं बन सकता, इस बात का ध्यान दें। तो ठीक है, इस तरीके से आप केला खाकर दूध पीजिए, देखेंगे तो आपकी जो समस्या है इजी तरीके से दूर होने लगेगी। इस तरीके से अगर आप केला का सेवन करते हैं तो आपकी अंदरूनी ताकत भी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, हड्डियाँ मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, और आपको जैसे कि आपका 40 का उम्र हो, चाहे 50 का हो, चाहे 60 का हो, चाहे 70 का हो, अगर आप प्रतिदिन इस तरीके से करते हैं, दूसरे का सहारा लेना नहीं पड़ेगा, आप अपने बलबूते पर चल सकते हैं, फिर सकते हैं, खा सकते हैं, यहाँ तक कि आपको दिल से जुड़ी समस्या हो, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, आप इससे भी बच सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।